नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सैमसंग ने भारतीय बाजार में गैलेक्सी M40 को लॉन्च किया है, जो कि अब तक कम रेंज में सबसे पहला स्मार्टफोन है जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। और अगर आप देखेंगे तो इस फोन में आपको 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है और प्राइस रेंज भी इसकी ठीक ठाक है। इसलिए यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो में Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro को इससे कंपेयर करके दिखाता हूँ। स्पेक्स बेस्ड कंपेरिजन है और हमने इन दोनों फोन को भी 6GB रैम लिया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में सैमसंग भी आपको 6GB रैम मुहैया करवा रहा है। इसलिए Redmi Note 7 Pro का भी 6GB रैम मॉडल है और Realme 3 Pro का भी 6GB रैम मॉडल है। क्योंकि अगर आपको 6GB रैम वाला फ़ोन लेना है तो वो कौन सा लें, आप सैमसंग गैलेक्सी M40 लें, Redmi Note 7 Pro लें या फिर Realme 3 Pro लें। तो चलिए एक स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन देखते हैं और जानते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले हम सैमसंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसी की बात करना थोड़ा सा सही रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, वहीं Redmi Note 7 Pro में आपको वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिलता है जो कि यू शेप है। दूसरी ओर Realme 3 Pro में भी आपको वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिलता है, लेकिन ये वी शेप है। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग तरीके का आपको पंच होल या फिर वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पर आप बता दूं कि तीनों फोन में 6.3 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है। पर यहाँ पर Xiaomi और Realme के पास एडवांटेज है कि इनमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि Samsung में किस ग्लास की प्रोटेक्शन है उसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इस पर आपको ड्रैगन टेल ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, पर वो कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है क्योंकि कंपनी अक्सर ऐसा करती है। अब अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों ही फोन्स जो डिस्प्ले वाइज आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं एक बार आपको इनका वाइट दिखा देता हूँ कि किसका वाइट कैसा है, ताकि आपको थोड़ा क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तीनों के डिस्प्ले में। पर मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो पंच होल की वजह से लुक जो है वो सैमसंग की ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब हम बैक पैनल देखते हैं और लुक देखते हैं तीनों फोन्स की बैक साइड से कि कौन सा फ़ोन लुक के मामले में आपके लिए सही रहेगा। तो तीनों को मैंने बैक फेस कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही काफ़ी शानदार हैं। तीनों में आपको शाइनी बैक पैनल मिलता है। आपको बता देता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी M40 में जो आपको ये पैनल मिलता है ये ग्लासटेक है। जी हाँ, कंपनी ने इसे ग्लासटेक कहा है क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट है लेकिन इस पर ग्लास फिनिश दी गई है। वहीं Xiaomi Redmi Note 7 Pro में आपको प्योर ग्लास मिलता है। वहीं अगर आप Realme 3 Pro की बात करेंगे तो इसमें आपको ग्लॉसी बैक पैनल मिलता है जो कि पॉलीकार्बोनेट है, इस पर ग्लास फिनिश भी नहीं दी। तो अगर हम यहाँ पे रैंकिंग वाइज चलेंगे कि क्वालिटी में कौन सा बेटर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Xiaomi को फर्स्ट नंबर पे क्वालिटी पे रखूंगा, सेकंड नंबर पे Samsung और थर्ड नंबर पे Realme 3 Pro। लुक सब्जेक्टिव है, आपको कोई भी फोन पसंद आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको जज नहीं कर सकता। पर अगर आप देखेंगे तो तीन रियर कैमरा की वजह से Samsung की लुक थोड़ी सी बेटर लग रही है, कर्व्ड है। Realme 3 Pro भी कर्व्ड है, जबकि Xiaomi Redmi Note 7 Pro फ्लैट है, कोई भी कर्व नहीं दिया गया इसमें। और हाँ, तीनों का फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पर आपको मिल जाता है। पर यहाँ पर एक नुकसान जो सैमसंग के साथ है वो दिखाता हूँ आपको, पहले फ़ोन को पलट लेता हूँ। नुकसान वो ये है कि सैमसंग में आपको देख सकते हैं कि 3.5 में ऑडियो जैक नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है सैमसंग की ओर से कि 3.5 ऑडियो जैक आपको सैमसंग में नहीं मिलता। बाकी इन दोनों फ़ोन में आपको 3.5 ऑडियो जैक मिल जाता है। तो अगर आप इसके बिना गुजारा कर सकते हैं तो आप सैमसंग ले सकते हैं, पर अगर आपको 3.5 ऑडियो जैक चाहिए तो सैमसंग आपके लिए राइट फोन नहीं रहेगा। वहीं अब इंटरनल्स की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट, Xiaomi Redmi Note 7 Pro में भी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट है, जबकि Realme 3 Pro में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग ग्राफिक्स के मामले में ये दोनों फोन आगे हैं, लेकिन स्पीड के मामले में Realme 3 Pro बाजी मारता है। तो जो टक्कर है वो लगभग सेम है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्रोसेसिंग और इनकी स्पीड में, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस ही आपको इन तीनों फोन से मिलने वाली। खासतौर पर जब आप पबजी गेम खेलेंगे तो कुछ ज़्यादा अंतर आपको महसूस नहीं होगा। वहीं बात करें रैम की, तो इस प्राइस में तीनों में आपको 6GB की रैम मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर Realme 3 Pro आगे निकलता है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M40 में 3500 mAh की बैटरी मिलती है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। Xiaomi Redmi Note 7 Pro में भी को 4000 mAh की बैटरी मिलती है, क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट दिया है। और Realme 3 Pro में आपको 4045 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें वोक चार्ज का आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मैंने Realme 3 Pro को इसलिए कहा क्योंकि बैटरी वाइज आगे है, साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी इसकी काफ़ी फास्ट है। जबकि Realme 3 Pro अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली Redmi Note 7 Pro से चार्जिंग मामले में पीछे है, लेकिन जब हमने टेस्ट किया था, आप टेस्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेस्ट में Realme 3 Pro बाजी मार गया था चार्जिंग के मामले में और बैटरी ड्रेन के मामले में भी। अब बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि
सैमसंग का सबसे बड़ा हाईलाइट कैमरा ही है यहाँ पे, तो इसमें आपको तीन रेयर कैमरा मिल जाते हैं बैक साइड पर, जबकि रेडमी नोट 7 प्रो और रियलमी 3 प्रो में आपको डुअल रेयर कैमरा मिलते हैं। तो आप बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी M40 में दिया है 32+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा, Xiaomi Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा और Realme 3 Pro में आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा। तीनों फोन्स कैमरा अपनी अपनी जगह पावरफुल हैं, सभी अच्छा सेंसर मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में कौन सा बाजी मारेगा उसके बारे में जानने के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा कि आप इन तीनों फोन्स का कैमरा टेस्ट देखना चाहते हैं या नहीं। पर आपको बता दूं कि सैमसंग तब भी थोड़ा सा आगे कहा जाएगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है जो कि वाइड एंगल फोटो क्लिक करता है, जबकि इन दोनों में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सेंसर या एक्स्ट्रा फीचर इस तरीके का नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सैमसंग में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, Redmi Note 7 Pro में मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर और Realme 3 Pro में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि तीनों आपको ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं, लेकिन Realme 3 Pro कैमरा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने इसका टेस्ट किया था। पर हालांकि वही बात दोबारा से आ जाएगी कि अगर आप एक्चुअल में रियल लाइफ टेस्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। पर ऑन पेपर्स देखा जाए तो फ्रंट कैमरा में Realme 3 Pro बाजी मारता है और रियर कैमरा में ऑब्वियसली Samsung Galaxy M40 बिकॉज इट हैज़ वन एक्स्ट्रा सेंसर, दैट इज वाइड एंगल सेंसर। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात करें तो तीनों में आपको एंड्रॉइड पाई मिल जाता है जिस पर अलग अलग OS की लेयरिंग दी गई है। तो यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वन UI पसंद आता है, मी UI पसंद है या फिर आप कलर OS की ओर जाना चाहते हैं। पर आपकी क्या राय है इन तीनों फोन्स को लेकर प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।